नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज। वक्त है एक मिनट दस खबरों का। वाराणसी के अस्पताल स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच कराने पहुंचे प्रवासी श्रमिक व छात्र, डॉक्टरों ने दी होम क्वारंटीन में रहने की सलाह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 3 अगस्त से, विश्वविद्यालय ने जारी किया प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम। आगे स्थिति ठीक होने पर इसी तिथि को होगी परीक्षाएं। लखनऊ के लोगों के लिए राहत की बात, 3 इलाके हॉटस्पॉट से बाहर, 21 दिन तक नहीं मिले नए कोरोना मरीज। मजदूरों को छोड़कर लौट रही बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी, ड्राइवर, कंडक्टर और गार्ड घायल। 6 दिन तक गोरखपुर शहर में घूमता रहा कोरोना पॉजिटिव, महाराष्ट्र के हॉटस्पॉट इलाके से आया था वापस। दिल्ली में 9 साल में सबसे कम रहा मई का तापमान, आंधी और हल्की बारिश ने गिराया पारा। लॉकडाउन 4 की तैयारी शुरू, अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से की बैठक। ट्रंप ने किया भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान, मोदी को बताया अपना दोस्त, ट्वीट कर दी जानकारी। दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने बढ़ाया कदम, मजदूरों को राशन देने के लिए अपनी आर्ट वर्क की कर रही नीलामी। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने किया पीएम मोदी की मुहिम लोकल से वोकल का समर्थन, गांव की महिलाओं से बनवाया स्वेटर। ये थी आज की 10 खबरें, फिर लौटेंगे, तब तक ले लीजिए इजाजत। नमस्कार।